हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की छोटी छोटी टिप्स जो हमें बहुत ही काम में आने वाली है। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देर ना करके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। पसंद आए तो दोस्तों कृपया करके एक लाइक दे दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक दे दीजिए, कोई बात नहीं। और बहुत ही हेल्पफुल टिप्स है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। पहला टिप्स मेरा ये दाल को लेकर है। देखिए मैंने यहाँ पे कितने तरह की दाल रखा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कि सारे दाल की डिब्बिया यहाँ पे रख दी, जो कि घर में हम तरह तरह की दाल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सारे डिब्बिया में कुछ कुछ दाल है, हर घर में हम तरह तरह की दाल खाते हैं। और यहाँ पे ले आए एक कटोरी। छोटा सा टिप्स है लेकिन हमारी बहुत ही समय बचाने वाली टिप्स है। यहाँ पे कटोरी में मैं दाल निकल रही हूँ। पहले मैं मूंग दाल निकाल दी, एक स्पैचुला मूंग दाल, जो छोटे कटोरी मूंग दाल निकाल दी। और यहाँ पे और एक दाल निकाल रहे हो, ये है मसूर दाल, थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम नहीं। और ये है मेरी तूर दाल, इसको भी उसी मात्रा में निकाल ली। और ये है चना दाल, जितनी मात्रा में मसूर दाल और तूर दाल। और यहाँ पे हमारे उड़द की दाल, ये भी मैं निकाल दी। इसको मैं कटोरी में डाल के मिक्स कर रही हूँ। और अगर आपके पास हरी वाली मूंग दाल है उसको भी आप मिला लीजिए। अक्सर क्या है दोस्तों, हमें मिक्स दाल बनानी होती है तो क्या करते हैं हम, मिक्स दाल बनाने में हमें सारे दाल को इकट्ठा करना पड़ता है और उसमें हमारी टाइम निकल जाती है और क्वांटिटी इधर उधर हो जाती है। इसलिए छोटा सा टिप्स है, अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप लोग की टाइम बच जाएगी और क्वांटिटी में कोई इधर उधर नहीं होगा। और एक बाय एक डिब्बा आपको निकालना नहीं पड़ेगा और एक एक मुट्ठी निकालना नहीं पड़ेगा। आई होप आज की ये छोटा सा टिप्स आप लोग को पसंद आए। और किचन में ये टिप्स हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो चलिए फिर दूसरी वाली टिप्स मेरी बहुत ही काम की टिप्स है। तो यहाँ पे मिक्सी की जार ले आई। अक्सर क्या होती है दोस्तों, हमारे मिक्सी की जार की धार कम हो जाती है ब्लेड की, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ब्लेड निकाल नहीं सकते, दुकान जा नहीं सकते, दुकान जाने में पैसा खर्चा है और ब्लेड को हम निकाल नहीं सकते, अक्सर ये जाम हो जाती है। छोटा सा टिप्स यहाँ पे शेयर करूँगी जो आप घर पे अपनी हैंड टू हैंड आप कर सकते। तो आपके घर पे जो भी नमक है, ये प्लेन नमक और नहीं तो ये बड़े वाले दाने वाले नमक, उस नमक को 2-3 चम्मच इस मिक्सी की जार में डाल दीजिए। डालने के बाद इसको पीस लीजिए। पीसने से ये होता है, हमारे एक तो हमारी जो नमक पीस जाएगी और नमक की वजह से और मिक्सी की जार अच्छे से धार हो जाएगी, जो हमें पैसा खर्चा करना नहीं पड़ेगी और समय की बहुत ही बचत है। बहुत ही हेल्पफुल टिप्स है। आशा करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आए। पसंद आए तो दोस्तों एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वाली टिप्स मेरी ब्रश को लेकर है। हम सबके घर में इस तरह की ब्रश होती है बॉटल साफ करने के लिए। क्या है दोस्तों, ये ब्रश हम जब लेकर आते हैं ब्रश के आगे एक बहुत ही स्पंज लगा होता है, लेकिन ये स्पंज 1-2 यूज में निकल जाता है। तो अक्सर क्या होता है, हम इसको जब साफ करते हैं तो बीच वाला हो जाता है लेकिन नीचे वाला हिस्सा हो नहीं पाता है। आपके घर पे दोस्तों जो भी स्पंज है, जिस तरह की भी स्पंज है, यहाँ पे मैं स्कॉच ब्राइट इस्तेमाल कर रही हूँ, देखिए जो बर्तन साफ करने वाले, जिस तरह की स्पंज है एक स्क्वायर शेप में काट लीजिए, नहीं तो रेक्टेंगुलर शेप में काट लीजिए और इसको इस ब्रश के ऊपर लगा लीजिए। आप हो सके तो इसको रस्सी से टाइट से बांधिए। मैं यहाँ पे रबर लगा रही हूँ, अगर टाइट वाला रबर है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अभी चलते हैं बॉटल के अंदर घुसाते हैं। देखिए नीचे वाला हिस्सा अच्छे से भी साफ हो जाएगी, तो ये ब्रश हमें फेंकनी नहीं पड़ेगी और दोबारा नया वाला खरीदना नहीं पड़ेगा। छोटा सा जुगाड़ है लेकिन बहुत ही काम की है, बहुत ही पैसे हमारे बच जाएंगे। नेक्स्ट वाला टिप्स मेरा और भी काम की टिप्स है। यहाँ पे ले आई मैं कैसरोल। ये परेशानी सबके घर में हम लोग उठाते हैं, हमारे घर पे रोज़ रोज़ की परेशानी है। यहाँ पे डाल दी चपाती। अक्सर क्या होता है दोस्तों, चपाती हम कैसरोल में रखते हैं तो उसकी भाप नीचे लग के हमारे नीचे वाला चपाती खराब हो जाती है, रोटी खराब हो जाती है। इसका छोटा सा टिप्स शेयर करूँगी। आपके घर पर जो भी बर्तन है, अगर टिफिन के कवर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, पतले वाले कटोरी होगा तो बहुत अच्छा होगा, उसको कैसरोल के अंदर इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर हम हमारे रोटी के जो कपड़े होते हैं उसको रखेंगे। जो गरम गरम रोटी हम इसके अंदर रखेंगे तो रोटी का जो भाप निकलेगा वो जो टिफिन के कवर में रहेगा तो रोटी में लगेगा नहीं और हमारे नीचे वाला रोटी कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो हम ऊपर से लेके नीचे वाला सारे रोटी हम इस्तेमाल कर सकते, खा सकते हैं। देखिए उठा के दिखा रही हूँ, ये जो भाप है नीचे रहेगी।
तो कैसरोल में नहीं लगेगी और रोटी खराब नहीं होगी। और नीचे वाला रोटी आप कुत्ते को दे सकते हैं और आप भी नहीं तो खा सकते। नेक्स्ट टिप्स और भी हेल्पफुल टिप्स है। तो अक्सर हमारे घर पे हम अचार, तरह तरह के अचार बना के रखते हैं। यहाँ पे मैं हमारी चिली जो मिर्च की अचार मैंने बनाई थी, तो क्या होता है अक्सर हम अचार तो बनाते हैं बहुत ही मात्रा में, एकदम तो इसको ख़त्म नहीं करते, तो इसको सालों तक हम रखते हैं। कभी कभी इसमें तेल कम हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये अचार सूख जाता है। इसके क्या होता है, ये अचार हमें लगता है कि ख़राब हो गया, हम फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, इसको फिर से बनाएंगे। कैसे, सरसों की तेल लीजिए और इसको गर्म कर लीजिए। गर्म होने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और इस अचार में मिला दीजिए। हमारी अचार पहले जैसे बन जाएगी और ख़राब नहीं होगी और फेंकेगी नहीं, बहुत सारे पैसे की बचत भी हो जाएगी। आज की टिप्स में से कौन सा टिप्स आपको पसंद आया प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। थोड़ा सा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। दोस्तों किचन की टिप्स जो छोटे छोटे होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक दे दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की नई वीडियो और नई वाली टिप्स में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय।